देवी अथर्व शीर्षम। यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। अब यहाँ देवी अथर्व शीर्ष का वर्णन किया जा रहा है, जो अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके अंतर्गत परम गोपनीय श्री विद्या मंत्र का वर्णन प्राप्त होता है, जिसे सभी मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। साथ ही देवी के बीज मंत्र एवं नवान मंत्र का भी अर्थ इसमें प्राप्त होता है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। देवी अथर्व शीर्षम। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, आप कौन हो? इस पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भक को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हव्य द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञार्हों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को, अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान में जगमगाने वाली दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी आपको नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष,
आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। श्री विद्या मंत्र। काम योनि ही कमला वज्रपाणिर गुहा हसा मातरिश्वाभिमिन्द्रहा पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुषचैषा विश्वमातादि विद्यो एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। काम से क, योनि से ए, कमला से ई, वज्रपाणी इंद्र से ल, गुहा से ह्रीम, ह स वर्ण, मातरिश्वा वायु से क, अभ्र से ह, इंद्र से ल, पुनर्गुहा से ह्रीम, स क ल वर्ण और माया से ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है। पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी या श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। 15 अक्षरों से युक्त यह श्री विद्या मंत्र 3 भागों से युक्त है। हर भाग के अंत में ह्रीम का प्रयोग किया जाता है। शिव शक्ति भेद रूपा यानी शिव और शक्ति में अभेद दर्शाने वाला, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका यानी 3 भाग ब्रह्मा विष्णु शिव रूप हैं, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली, सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। इस मंत्र के अक्षर शिव शक्ति में एकता या अभेद को दर्शाते हैं। पहले भाग को यानी क ए ई ल ह्रीम को वाग्भव वाम शक्ति ब्रह्मा ज्ञान शक्ति ऋग्वेद या पूर्व मुख कहा जाता है। इसे देवी का शीर्ष भाग कहते हैं। इसका संबंध वाक शक्ति से जोड़ा गया है। दूसरे भाग को यानी ह स क ह ल ह्रीम को कामराज ज्येष्ठ शक्ति विष्णु इच्छा शक्ति यजुर्वेद या दक्षिण मुख कहा जाता है। इसे देवी के ग्रीवा से लेकर कमर तक का भाग कहते हैं। इसका संबंध काम से जोड़ा गया है। तीसरे भाग को यानी स क ल ह्रीम को शक्ति रौद्री शक्ति रुद्र क्रिया शक्ति सामवेद या पश्चिम मुख कहा जाता है। इसे देवी के कमर से नीचे का भाग कहते हैं। इसका संबंध मूल शक्ति या सहार शक्ति से है।
श्री विद्या मंत्र जप के अनंतर इस स्तुति से भगवती का स्तवन करें। भगवती आपको नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज और तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतर रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। ह्रीम देवी का बीज मंत्र। वियत आकाश यानी ह तथा ईकार से युक्त विति होत्र अग्नि यानी र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म यानी ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित शुद्ध है, जो निरतिशानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधर अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चय नवान मंत्र। वाणी यानी ऐं माया यानी ह्रीं ब्रह्मसु काम यानी क्लीं इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्त्र अर्थात अकार से युक्त चा सूर्य यानी म अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण यानी उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र यानी डा वायु यानी य वही अधर अर्थात ऐ से युक्त यई और विच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित स्वरूपिणी महासरस्वती हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी हे आनंद रूपिणी महाकाली ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय आपका ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपिणी चंडिके आपको नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली महासंकट को शांत करने वाली
और महान करुणा की साक्षात मूर्ति आप महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नयिका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नयिका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिनी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर जप इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, भौमाश्विनी या अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।